नमस्कार साथियों, आप सभी का नरेंद्र विश्वकर्मा यूट्यूब चैनल में मैं नरेंद्र विश्वकर्मा हार्दिक स्वागत करता हूँ। यदि आप परेशान हैं, आपको याद नहीं हो रहा है, पेपर नज़दीक आ चुके हैं, तो हम आप याददाश्त कैसे बढ़ा सकते हैं, तो इस वीडियो में मैं इसकी जानकारी दूंगा। इस वीडियो को आप अंत तक ज़रूर देखिए। सबसे पहले आप सभी से विनम्र अनुरोध है कि जो मैं इस वीडियो में जानकारी दे रहा हूँ वह मैं स्वयं आजमा चुका हूँ, लेकिन यदि आप इसका प्रयोग करते हैं और आपको इसका प्रॉफिट नहीं मिलता है तो मैं इसकी कोई दावा नहीं करता हूँ, मैं इसका कोई दावा नहीं करता हूँ कि इसका आपके लिए लाभ होगा ही होगा। मैं एक तरीका बता रहा हूँ जो मैं यूज कर चुका हूँ, उम्मीद है कि मैंने यूज किया है, इसका प्रॉफिट आपको भी मिलेगा इसी तरह। तो ऐसे कौन से तरीका है जिसके माध्यम से हम अपनी IQ मानसिक शक्ति बढ़ा सकते हैं? हमें क्या करें, याद नहीं हो रहा है, अब कैसे हम याद करें? तो इसके लिए एक सुंदर सा तरीका है जो मैंने भी फॉलो किया है और आप भी इसका फॉलो करिए। उम्मीद करता हूँ कि मुझे प्रॉफिट मिला है, आपको इसका प्रॉफिट मिलेगा। तो आपको सुबह 4 बजे तुलसी के 2 पत्ते परमानेंट रेगुलर खाना है। ऐसा नहीं कि हमने 4 दिन खाए, फिर 5वें दिन नहीं खाए, छठवें दिन खाए, 7वें दिन नहीं खाए, तो इस प्रकार ना करिए। आप परमानेंट पर डे करिए, और कुछ समय जब आप परमानेंट पर डे लंबे समय तक करेंगे, 4 या 5 माह, क्योंकि ये आयुर्वेदिक इलाज है, इसमें टाइम लग सकता है। हाँ, लेकिन आयुर्वेदिक से जो इलाज होता है वो परमानेंट के लिए होता है। एक लंबा समय लग सकता है, 3 माह 4 माह, इससे ज़्यादा भी लग सकता है। कुछ समय बाद आप देखोगे कि आपको इसका प्रॉफिट नज़र आएगा, और आपकी जो IQ है, मानसिक क्षमता है, याददाश्त है, मेमोरी है, वो बढ़ जाएगी। और वैसे भी जो आपकी तुलसी है कई बीमारियों का इलाज करती है, बहुत सारी बीमारियों के इलाज के लिए तुलसी का प्रयोग किया जाता है। अब ये नहीं कि आप 4 बजे नहीं उठ पाते हैं तो 4 बजे हम नहीं खुल हमारी नींद नहीं खुलती, हम इसका कितने बजे सेवन करें? क्या हम 6 बजे से नहीं कर सकते हैं? तो आपकी जब भी नींद खुले 4 से 6 के मध्य। ऐसा नहीं कि अब हमारी नींद 10 बजे खुली तो हम 10 बजे खाएं, नहीं, 4 से 6 के मध्य। आप 4 से 6 के मध्य पर डे खाइए, आपके इसका प्रभाव जरूर मिलेगा, क्योंकि मुझे मिला है, उसी उम्मीद से आपको भी मिलेगा। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल पर फर्स्ट टाइम हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार, जय माता दी, राधे राधे, जय श्री राम।